इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। खून की कमी पर अगर बात की जाए, इनीमिया पर अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खून की कमी से संबंधित बीमारियां रहती है, जैसे हाथ पैर में सूजन, शरीर उनका कमज़ोर लगना, घबराहट महसूस करना। जब वो HB रिपोर्ट निकालते हैं तो उनका जो ब्लड है वो उसकी लेवल काफ़ी कम होती है। औरतों में जो है 11 पॉइंट जो है 11 से शुरुआत होती है और मर्दों में इसकी शुरुआत 12 से होती है HB की। अगर खून की कमी आप में हो, डॉक्टर आपको बता दे कि आप में खून की कमी है जिसको इनेमिया कहा जाता है, तो कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा, इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए पूरा देखें। आज मैं इस वीडियो में उसका बहुत ही अच्छा एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए गौर से देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खून की कमी की वजह से होने वाली बहुत सारी तकलीफ़ों के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ लोहा सौ। लोहा सौ वैद्यनाथ का एक प्रोडक्ट है। लोहा सौ आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसकी कीमत 150 रुपये है। और इसमें जो है खून की कमी उससे संबंधित तकलीफ़ जैसे कि हाथ पैर पर सूजन, शरीर पांडुवर्ण का होना और पीलिया बढ़ना आदि तकलीफ़ों को दूर करने में लाभदायक है। मात्रा इसको किस तरह आपको लेना है, 3 से 6 चम्मच पानी मिलाकर भोजन के बाद ले डॉक्टर के अनुसार। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही अच्छे, पिपली है, हरी टाकी है, बीबी टाकी, आंवला की वगैरह जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो आपका रक्त बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो जो लोगों को खून से संबंधित यानी जिनका ब्लड शरीर में कम बनता है या कम होता है वो इसका सेवन ज़रूर करें। अंत में यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वैद्यनाथ की बोतल है मेरे पास, लोहा सो इसका नाम है। अगर यह कॉमनली तो हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझसे ये ऑर्डर करवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके इसको बुक करवा ऑर्डर करवा सकते हैं। अंत में यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें आप ताकि हमारे हौसला अफजाई हो सके। और शेयर कीजिए ताकि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात मैंने आज आपके सामने रखी ये दूसरों तक भी पहुंच सके।